ट्वेंटी महाकुंभ महामुकाबला बड़ स्कोर मुहा भारतीय दल विराट वाहिनी आगे बाबर चैलेंज दुबई में चलती हाई वोल्टेज मैच गोविंदर सहयोगी राधेश्याम घर मिलता मोबाइल को नहीं बढ़ुच्छ रहस्य महालिंग कलेज जड़े छात्री मोबाइल में लुचि थप बड़ गुमर पुलिस पाखे अच्छी मोबाइल एवं त्वरित तो विचार पर दावी कले पर सामना को आसला गोविंदर आउ एक कुकर्म सांघातिक अभियोग आने पूर्वतर प्रधान शिक्षक कहे 20 वर्ष तले ट्राक्टर चपाई अष्टम श्रेणीर झील को हत्या करता गोविंद पंचायत निर्वाचन में समर्थित प्रार्थी हारिजु होता रक्तमुखा ममिता हत्याकांड विरोध में जारी रही प्रतिवाद मंत्री इस्तफा दाबी दोहराइले विरोधी एपटे अभियोग आने विजय महापात्र कहे ममिता मृत्युर दुई मास पूर्व मंत्री रायपुर घरे आपोस बुझाणा होता उद्यम मुंबई ड्रग्स मामलें नाटक मोड़ एनसीपी विरोध में बर्षिले एनसीपी और शिवसेना आर्यन खान को बेल पर 18 कोटी लांच मगा जाता अभियोग एनसीपी कहे अभियोग अमूलक ठिकना समय दिजा जवाब भुवनेश्वर बिंदु सागर को नहीं आत्महत्या कले बीटेक छात्र आर्थिक अनटन प्रबल मानसिक चापर थ कहे संपर्क घर भड़ा दे पार जिनस बिकिदे धमक देते घर मालिक भारत फेसबुक मिलू विश्व मंजी आमेरिका सिनेटर सबकमिटी आगे मत रखिले फेसबुक पूर्वतन प्रोडक्ट मैनेजर कहे भारत में 34 कोटी व्यवहारी हेले घृणा बांटुची फेसबुक ममिता मृत्यु मामलें गोविंद साहूर सहयोगी राधेश्याम घर मिलता मोबाइल को नहीं एवं चारिड़े चर्चा ए मोबाइल रु सबु घटनार पर्दाफाश हेबो बोली आलोचना चली ममिता रोकवा जड़े छात्री पाखे मोबाइल थिला घरे किए देखिदेवे छात्री जनक ममिता को मोबाइल देते मोबाइल पाइबा गोविंद साहू ममिता को डकते कहु गोविंदर सहयोगी राधे घर मिलता मोबाइल कहार मोबाइल कौन अच्छी गोविंद राजनेता कला कारनामार वीडियो अच्छी कि ममिता मर्डर मिस्ट्री को नहीं अनेक प्रश्न उठू काहेकि से दिन गोविंद ममिता पाखकु डाकि ममिता पाखे आउ जे युवती मोबाइल रही मोबाइल एमती किसी गुरुत्वपूर्ण वीडियो भी रही जहाँ हाथियाप प्रयास करूला गोविंद गोविंद साहूर सहयोगी राधेश्याम चंडी घर मिलता मोबाइल को नहीं एवं चर्चा कहुची महालिंग कॉलेज रे लेडीज हॉस्टल रूम नंबर 20 ममिता रोकता युक्त तीन बटनी ऑनर्स जड़े छात्री ए मोबाइल रखी चर्चा अनुसार ए मोबाइल गोविंद साहू और सेठाक आसुवा राजनेता कला कारनामार अनेक वीडियो क्लिप एथि घरे किए देखिदे भयर छात्री जनक ममिता पाखे ए मोबाइल रखी ममिता ए मोबाइल को निज पाखे रखी गोविंद साहू ए मोबाइल पाइबा फोन करी ममिता को डकाइले गोविंद साहू चांदतोरा छक ममिता को निज गाड़ी को डाकि गाड़ी रे ममिता को हत्या करा जाइथिला ए मोबाइल थिबा बैग राधे घरे रखिबा गोविंद कहिथिला राधे पत्नी खट तलु ए बैग पाई पुलिस को देथिले सही मोबाइल रही कौन एमती के वीडियो रही जहाँ को हाथियापाई चाहूल गोविंद कहुची सही वीडियो सामना को आसी जाए ताले राजनैतिक महल एक बड़धरण झड़ सृष्टि मोबाइल बर्तमान पुलिस हाथ में रही जदि मोबाइल को नहीं हो चर्चा सत्य होता है तेरे पुलिस हाथ में गोविंद और नेता कला कारनामार पूरा वीडियो मिल सार गोविंद को पचरा उचरा केवल डीआईजी एवं खोद एसपी ही करुथिले जहाँ सूत्र सूचना रही अन्य पक्ष अन्यत्र कर्मचारी पुलिस अधिकारी मानू मीडिया ठार दूर रही तागिद तीन पढ़ुवा छात्री जनक पुलिस पचरा उचरा कर नहीं सूचना मिली तेज एने आनुष्ठानिक भाव पुलिस पक्ष बलांगीर सत्यजित सेन और ज्योत्ना राणी दास रिपोर्ट कनक न्यूज सेठ गोविंद साहू नाँ अभियोग तालिका लंबिवार लगी राजनैतिक शत्रुतार जड़े शिक्षक 8 वर्ष कुनी झील को हत्या करता गोविंद 20 वर्ष तले घटना घटी देखो रिपोर्ट
କୁନି ଝିଅ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନାୟକ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। କୁନି କୁନି ଆଖିରେ ଭବିଷ୍ୟତର କେତେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଙ୍କିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ପାରିବାରିକ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ତାର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବାପା ମହାଲେଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତିଲାଲ ନାୟକ। ମୋର ଆଗ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ପାରିବନି କି ଫିଜିକାଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋ ପଛରେ ମୋର ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାମ୍ନା ବି କରିପାରିବନି। କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି ପଛରେ ଲୁଚି ମୋ ଝିଅକୁ, ଆଗ ଝିଅକୁ ନୁହଁ, ପଛ ଝିଅକୁ ନୁହଁ, ମଝିରେ ଥିବା ଝିଅକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚପେଇ ମାରିଦେଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମର୍ଡର। 2000 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ମହାଲେଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡି। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣାର ପୁରା କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଆଉ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କୁକର୍ମର କଳା ଚିଠା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନାରେ ଡିଏସ୍ପି ଆସିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ 10,000 ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ, ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଡିଏସ୍ପିକୁ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମୋତିଲାଲଙ୍କ ଭାଇ। ଏହି ପରାଜୟରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତା ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁଣି ହାରିଯିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ମୋତିଲାଲଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇଥିଲା ଏହି ନର ରାକ୍ଷସ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଦ ଟିକେ ଦେଇ ମାଂସ ଟିକେ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଫଲୋଅର୍ସ କରୁଥିଲା ସିନା, ବାସ୍ତବ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାରୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଗଢ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କରା ଚଳାଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ଗଢ଼ିଥିଲା ପାପର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେଙ୍କା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଥାନା ଘେରାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଘଟଣାକୁ ବାଇ ବାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ 294 ବୁକ୍ କରି ଥାନାରେ ତାକୁ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଲମ୍ବିଛି ଗୋବିନ୍ଦର ପାପ କର୍ମର କଳା ଚିଠା। ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ତାର କଳା କାହାଣୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋବିନ୍ଦର କୁକର୍ମ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଡେଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁର୍କେଲା ଝରଣୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ନୀତା ଡିସୁଜା ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭେଟିବା ପରେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରାକୁ ତୁରନ୍ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ହଟାୟା ଯାଏ, ଉସକୋ ଆରେଷ୍ଟ କିଆ ଯାଏ, ଅର୍ ଉସେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ସିବିଆଇକୁ ଓ ସୋପା ଯାଏ, ଅର୍ ସିରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଉସେ କିଆ ଯାଏ। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଜୋର କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସଜ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି।
जदि मुख्यमंत्री राज्यर मुख्य भाव नहीं आम तदंत करू ना सीबीआई को दबू ना ना आम करू ना बहिष्कार करू ना जनसाधारण को स्पष्ट भाव कहतु जो सब घटना घटू जहाँ सब खबर मिलू से सन्देह प्रकाश करुच्चे कि बड़ बड़िया लोकों मंत्री समेत सामिल अच्छा तेणु यही परिस्थिति रे मुख्यमंत्री महाशय इतिहास सृष्टि कर मंत्री महाशय को इस्तफा देवाई कहतु जो दल मैंने हीन राजनीति करती से केवल पीड़िता को उपेक्षित करना बर ओडिशार 4.5 कोटी जनसाधारण आगे से माने निजे निजे मलिन पड़ी एवं से जो उद्यम करूँ बदनाम करने जेहेतु आग को निर्वाचन अच्छी निर्वाचन चाल खेल को चेष्टा करवृत्त रहा उचित केवल राजनैतिक दल नुहति आंदोलन को ओल्ल मेहर समाज नुआपड़ा खड़ियाल ब्लक तुकुला मेहर समाज पक्षर 10 किलोमीटर पदयात्रा करी प्रतिवाद जनाई दोषी को फाँसी एवं मंत्री बहिष्कार दाबी मध्य सेपटे कांग्रेस पक्षर केसींगा थाना सम्मुखें प्रतिवाद करा जाई कंटाबांजी पुष्पकेतु बेहरा भवानीपाटना सुशांत महापात्र सत्यजित सेन और भुवनेश्वर भवानी प्रसाद दास रिपोर्ट कनक न्यूज। ममिता बेहरा हत्या मामलें विजय महापात्र सांघातिक अभियोग आई दुई मास पूर्व गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर रायपुर स्थित घरे मंत्री गोविंद ममता मध्य बुझामणा उद्यम होता किंतु ता विफल होवु ममिता को रास्तु हटाई कहते विजय महापात्र समस्त मोबाइल कॉल डिटेल्स जांच कले पक्का प्रमाण मिले से चैलेंज करते छड़ा सरकारी स्तर में संपर्क में खबर आसी चपाई दि जाऊँग कर विजय महापात्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र गोविंद साहू एवं ममिना प्रिंसिपल चेष्टा कर गोटे कंप्रोमाइज करने रायपुर जहा विफल कॉल रेकॉर्ड इज देयर समस्त कॉल रेकॉर्ड सांगे सांगे पाइबे। प्रदीप माझी कांग्रेस छाड़ा पर शक्ति प्रदर्शन कर प्रदीप माझी आज गणमाध्यम को कहते से बीजेडी रे मिसिबा को जाउछ कोरापुट रे तारा बाहिनी पति और प्रदीप माझी शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस छाड़ गोटे दिन पर प्रदीप माझी मुह खोली बेले कोटपाड़ रे कांग्रेस करी शक्ति प्रदर्शन कोटपाड़ केन्दुगुड़ा ठारु हाथपड़ा पर्यंत एक विशाल राली और समावेश करी कांग्रेस नेता माने एक थिबा संदेश देछंती समावेश रे कोरापुट जिला कांग्रेस पर्यवेक्षक रमेश जेना जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति सामिल होइथिले। आज आम प्रमाणित करिछु जे सेमाने व्यक्ति विशेष किछ नुह व्यक्ति विशेष भालु बाहिनीपति किए से किछ नुह जीरो बिग जीरो कांग्रेस परिवार होती सब बड़ कांग्रेस परिवार है बड़ आप देखिए 14 सीट रु 10 सीट निश्चित भाव कांग्रेस विजय हे बीजेडी मिसिबे प्रदीप माझी नवीन को प्रशंसा कले पूर्वतन सांसद कांग्रेस छाड़ गोटे दिन पर बीजेडी मिसिबा को घोषणा कर सब कल्पना जल्पनार अंत घटाई प्रदीप माझी से कहते कांग्रेस वर्तमान परिस्थिति रे आउ रहिबा संभव नुहे बहुत शीघ्र आम समस्ते विजु जनता दल रे सामिल हबु आम समस्ते विजु जनता दल रे सामिल हबु एवं नवीन बाबू को हाथ मुठा को टाण करिबु तेबे प्रदीप केबे बीजेडी रे सामिल हेबे से संपर्क रे किछि स्पष्ट करि नहंती। नवरंगपुर रु नलिनी रंजन मिश्र कोरापुट रु सम्य रंजन साहू और जयपुर रु रमेश साहू कनक न्यूज। सस्तार अंबुजा सीमेंट पाइबार लोभ जड़े सीमेंट व्यवसायी को महंगा पड़ी बजार दर ठू कम दर में सीमेंट जोगाई देव कही लक्षाधिक टकर चूना लगे ठक भुवनेश्वर जड़े सीमेंट व्यवसायी 14,58,000 टकर ठके अभोग अभोग अनुसार सौरभ त्रिपाठी नामक व्यक्ति निजक
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड अधिकारी भाव में परिचय दे प्रथमे विश्वास जन्माई सीमेंट ने प्रस्ताव देते प्रस्ताव को जांच करने 5000 सीमेंट बस्तार अर्डर देते डालमिया जार मूल्य 14,58,000 टंका ए टंका को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जाई प्रकाश चंद्र डालमिया आरटीजीएस माध्यम रे सौरभ देथवा ठिकाणा रे पठाइथिले किंतु से पठाइथवा टंका अंबुजा सीमेंट लिमिटेड पाख को न जाई आउ जणक व्यक्तिगत अकाउंट को जाई आश्चर्य कथा होची प्रकाश चंद्र टंका पठाइबा पई जो ठिकाणा अकाउंट आईएफसी कोड फॉर्म रे पूरण करथिले से ठिकाणा रे टंका जाई नाही केवल अकाउंट नंबर समान रहितबा बळे आईएफसी कोड ठू आरंभ करी सबु बदली जायची एरे प्रकाश चंद्र डालमिया आरबीआई रो द्वारस्थ होइथले जवाब देई आरबीआई कहिची केवल अकाउंट नंबर देखे टंका पठा जाय थाए एथरे बैंक रो कोनोसी भूल नाही।